लुक दिया है लाइट में और एक थोड़ा हैवी दिया है इवनिंग काइंड ऑफ अ लुक. अभी डे लुक में आप अगर देखेंगे तो लाइट आइज की है, शेडो भी लाइट की है, उसमें ज़्यादा कुछ शाइन नहीं है. सैटन लुक है शेडो पे भी. कॉन्टोरिंग भी जो किया है ब्राउन से वो थोड़ा सा लाइट ही है. लाइनर भी शार्प लाइनर नहीं है, सॉफ्ट है. ओके और फेस को भी एकदम नेचुरल रखा है, ब्लश दिया है. कॉन्टोरिंग भी जो किया है वो हल्के में किया है एंड लिप्स भी लाइट ही दिया है. सो इट्स अ डे लुक जिसमें सब लाइट और ब्लेंडेड सब मर्ज इनटू ईच अदर है. और जब भी हमने थोड़ा हैवी लुक किया है हैवी आइज़ के लिए तो ब्लैक यूज़ किया है, डार्क ब्राउन यूज़ किया है. हमने ज़्यादा एकदम ब्राइट कलर्स नहीं यूज़ किए हैं बिकॉज हमने चीक्स थोड़ा हैवी दिए हैं यहाँ पे, लिप्स थोड़े हैवी दिए हैं, कॉन्टोरिंग हैवी किया है क्योंकि एकदम हैवी मेकअप नहीं करना है. ये हम पार्टी पे भी जा रहे हैं तो मॉनसून थोड़ा रोमांटिक वेदर होता है तो इसीलिए थोड़ा वो रोमांटिक एंड स्मोकी दे दिया है लुक उनको. एंड लैशेज लगाए हैं तो वो थोड़ा हैवी लग रहा है. चीक्स भी देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इनसे ज़्यादा हैवियर है चीक्स क्योंकि वो इवनिंग लुक है. लिप्स भी थोड़े ज़्यादा डार्क हैं तो, लेकिन वो सेम टाइम पे वो नेचुरल भी दिख रहा है और सेम टाइम पे वो हैवी भी दिख रहा है. तो वो एक ब्लेंड कर दिया है इवनिंग लुक के लिए कि अगर आप आईज हैवी कर रहे हो तो आपको लिप्स लाइट करना है. आप एकदम आईज भी हैवी, लिप्स भी हैवी, भड़कीले कपड़े भी सारे वो नहीं पहन सकते हैं. आपको एकदम बैलेंस करना है. अगर आपने कपड़े आपके बहुत ब्राइट हैं तो अगर आपने आईज़ में, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, अगर आपने एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है या ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है तो ज़रूरी नहीं है कि शेडो भी आपको ग्रीन या ब्लू करना है. आपको अगर वो कलर्स यूज़ करने हैं तो आप हल्का सा जब भी काजल यूज़ कर रहे हैं या पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, आजकल कलर के पेंसिल्स भी आते हैं, तो या तो आप खाली ब्लू का लाइनर लगा दी, कलर पेंसिल लगा दीजिए या अंदर थोड़ा यहाँ पे स्मजिंग कर दीजिए या कॉर्नर थोड़ा सा ब्लू. फुल ब्लू करने की ज़रूरत नहीं है या फुल ग्रीन करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह से अगर आप कलर्स यूज़ करेंगे तो वो अच्छा दिखता है. एंड लिप्स भी आपने यूज़ किया तो एकदम मतलब डार्क ड्रेस के साथ एकदम डार्क लिप करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप उसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं अगर आपने आईज़ हैवी किया है. मतलब एक अगर हैवी है तो एक लाइट होना है या फिर दूसरा एक हैवी हो सकता है. सारे हैवी नहीं हो सकते और सारे एकदम लाइट करेंगे तो एकदम ही ठंडा दिखेगा. इनका भी आप देख रहे हो लाइट लिप्स है पर एकदम न्यूड नहीं है, जहाँ पे कलर ही नहीं है, हल्का एक कलर दिया हुआ है. अगर आप एकदम स्किन कलर ही यूज़ करोगे तो फोटोग्राफ में कुछ नहीं दिखेगा, प्लेन दिखेगा, राइट. तो इसलिए थोड़ा सा एक बैलेंस करना है. मतलब अगर आईज लाइट हैं देखिए तो लिप्स आईज से थोड़े हैवी हैं, उस हिसाब से बैलेंस होता है. तो यस, आप अगर मस्कारा यूज़ कर रहे हैं तो वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करिए. आप अगर काजल यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल काजल पेंसिल की जगह अगर आप जेल लाइनर लगा लेंगे तो वो ब्लीड नहीं करेगा, वो वाटरप्रूफ होता है. आपका मस्कारा जो होता है वो भी जेल बेस होता है, वाटरप्रूफ होता है. ओके सो वो ज़्यादा लास्ट करेगा और आप भीगेंगे भी तो वो हिलेगा नहीं. ओके जब शेडो भी यूज़ करें तो एकदम डार्क कलर के शेडो यूज़ करेंगे तो वो गिरेगा तो दिखेगा, जब मेल्ट होगा तो दिखेगा. लाइट कलर यूज़ कर रहे हो तो वो नहीं दिखेगा. फाउंडेशन भी लगा रहे हो तो एकदम अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए तो वो नेचुरल ही दिखे. क्रीम ब्लशर लगा दीजिए इंस्टेड ऑफ पाउडर ब्लशर, उसको क्रीम ब्लशर लगा के उसको शाइन दे दीजिए, उसको ब्लेंड कर दीजिए एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो अगेन नेचुरल दिखेगा. सो दीज आर द थिंग्स आप मॉनसून में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं. बहुत अच्छा टिप है अगर आप मॉनसून में बाहर जा रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम नीट लुक देना है, आपके कर्ल्स देने हैं, क्योंकि मॉनसून में आप बाहर जाओगे तो वो थोड़ा स्टिकी हो ही जाता है और वेदर भी ऐसा होता है, इतना ह्यूमिडिटी होता है कि वो बाल बहुत स्टिकी हो जाते हैं. तो एक ड्राई शैम्पू आता है वो हमेशा अपने साथ रखिए, या तो आप अपने पर्स में रखिए या अपने साथ घर पे भी होते हैं तो वो एक होना चाहिए ड्राई शैम्पू. कि आप बाहर जा रहे हो, आप भीग कर आए हो, बाल थोड़े स्टिकी हो गया, क्या करो अभी, जाना है बाहर, ड्राई शैम्पू लीजिए, ऑल ओवर ड्राई शैम्पू लगा दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए कि आप जब बाहर जा रहे हो तो थोड़ा बालों में वापस से लिफ्ट आ जाता है. और गया वो टाइम जहाँ वो बहुत नीट हेयर स्टाइल होता था, नाउ एवरीथिंग इज़ मैसी. आप इसको नॉर्मली भी अगर पकड़ के आप एकदम मैसी करके आप पोनी टेल कर दो तो ये नीट नहीं रखना है. उसको थोड़ा मैसी करके, इसको भी थोड़ा कर्ल करके आप रेगुलरली बन कर देते हैं थोड़े से कर्ल करके, और इसको एक हल्का सा एक क्लिप लगा देते हैं तो नेचुरली भी एक कर्व आ जाता है और वो अच्छा भी दिखता है, स्टाइलिश भी दिखता है. एंड एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा जितना मैसी है वो रेड कार्पेट लुक दिखता है. जितना कमती बाल भीगेगा उतना बेटर ही है बिकॉज क्वालिटी ऑफ द हेयर के लिए भी अच्छा है. सो मॉनसून में बेस्ट है कि एक बाल टाई कर दो.
अगर ओपन भी रखना है तो ड्राई शैम्पू हमेशा कैरी करिए कि आप जैसे ही आप इवेंट के लिए जा रहे हैं या कोई फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो उसमें इमीडिएटली ड्राई शैम्पू लगाकर उसको रफ करके फिर आप कहीं भी निकल सकते हो. तो दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी. और जिस तरह से उन्होंने स्मोकी आइज की है मेरे लिए नया टेक्निक था, तो मैं भी सीख रही थी. मैं दिख नहीं रहा था लेकिन फिर भी मैं सामने वाले मिरर में से थोड़ा थोड़ा देख के अपना सीख रही थी. तो इट्स वेरी नाइस जो सेंटर में उन्होंने डार्क करके फिर स्मच किया था साइड में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, नया लुक है. मुझे मेसी बाल बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा रफल्ड और मेसी ही रखना पसंद करती हूँ. बहुत सारे शूटिंग के टाइम हम स्विमिंग पूल में शूट करते हैं, तो दैट टाइम ऑल्सो आई थिंक यू गाइज डू अ वेरी लवली जॉब. एकदम इंटैक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन लगता है. नहीं मुझे पहले लगता था सारा काजल निकल जाएगा या समथिंग, बट शी वाज जस्ट शोइंग जेल लाइनर. जो जेल लाइनर है वो भी अंदर लगा सकते हो, दैट विल नॉट रन आउट. सो दैट इज़ सो, यानी रोते हुए भी मैं सुंदर दिखूंगी सीन्स में. इंडिया इतनी इट्स अ वेरी वर्सेटाइल कंट्री. इतनी वर्सेटाइल है ना, यानी आप सारे ट्रेडिशंस, सारे जॉनर्स, सब कुछ एक ही इंडिया में भरा हुआ. जैसे हम कहीं फेस्टिवल में जा रहे तो हमारे क्लोथ ड्रेसिंग अलग हो जाती है, कहीं और जा रहे अलग हो जाती है. तो आई माई सेल्फ बेसिकली आई फील आई एम वेरी वर्सेटाइल. जहाँ पे बाइकर बनना है वहाँ पे मेरे एटीट्यूड चेंज हो जाता है, कपड़े चेंज हो जाते हैं. और कहा इवेंट में जाना है तो कपड़े चेंज हो जाते हैं. इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक बाइकर एक इवेंट कर रही थी और उनको पूछ, इट वाज अ बाइकर्स इवेंट, और मैं उनको पूछ रही थी, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, शुड आई कम देयर एज अ बाइकर और शुड आई कम देयर एज एन एक्ट्रेस. तो मैं बहुत कन्फ्यूज थी. लेकिन बहुत सारी जैसे मराठी फिल्में ज़्यादा करती हूँ मैं, तो महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में काफ़ी इवेंट्स हो जाते हैं, तब भी मुझे ड्रेसिंग का अलग से ख्याल रखना पड़ता है कि मैं उनमें उनकी जैसे लगूँ, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू लुक लार्जर देन लाइफ. यानी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, उस लोकल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मुझे ड्रेसिंग करना पड़ता है, बट इट हैज़ टू स्टैंड आउट, इट हैज़ टू बी लिटिल लार्जर देन लाइफ. मैं इंटीरियर्स में जाके छोटे कपड़े या शॉर्ट ड्रेस या गाउन्स ये पहन के नहीं जा सकती. वहाँ का ड्रेसिंग अलग हो जाएगा, लेकिन उसकी स्टाइलिंग अलग हो जाएगी, मेकअप थोड़ा अलग हो जाएगा. बट आई थिंक मेकअप मोरलेस इज सेम. आई थिंक फॉर मोरलेस उसमें उतना नहीं, ओनली हैवी करना है, लाइट करना है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, वो ये सारी चीज़ें करते हैं हम. लेकिन क्लोदिंग आई हैव टू ऑलवेज सी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओकेजन में जा रहे हैं. मॉनसून मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भीगना है भीगना तो पूरी तरह भीग जाओ. जैसे हम पूरा दिन जैसे पिकनिक पे है कहीं गए, भीगना है तो पूरी तरह भीग जाओ. अगर नहीं तो फिर ज़्यादा भीगना पसंद नहीं आता, लेकिन घर पे बैठ के अच्छा सा मॉनसून देखो, यू हैव अ नाइस व्यू, चाय पियो एग्जैक्टली. मॉनसून आई जस्ट वांट टू सिट एट होम एंड वॉच द रेन्स. आई एम कम्प्लीटली लव विद इट. इट्स अ डे लुक एंड सब कुछ बहुत लाइट एंड इट्स मोर ऑफ अ नेचुरल फील, जो आपको ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने मेकअप किया है ज़्यादा. एंड विच इज़ रियली नाइस बिकॉज हम डेली कहीं ना कहीं जाते हैं एंड एक लाइट मेकअप यू नो होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर प्रोफेशन. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम कम्प्लीटली इन लव विद इट. एंड आई you know, even when she was doing it, I said, I love falsies. Means I was telling Smita, you have to wear falsies. Yes. Because I completely love falsies. Because वो आपका look एकदम change कर देते हैं. So eyes open हो जाती हैं. It adds that extra oomph to it. So it completely changes your face. Like even if you're going in the afternoon, आप afternoon में भी जा रहे हैं. So wear a little natural falsies and it'll look really nice. And in the evening, like Smita has put a little heavy one. So you should put that one. So that looks really nice. And I'm very happy with my makeup. I'm sure I'm going to, you know, apply these kind of makeup more in the afternoons because it gives you a little, you know, glow to your face. At the same time, the person should not make out that I've done makeup. It has to be very subtle and I'm very happy with this because this is very subtle. I was just clicking my selfies and I was like, yeah, I'm very happy. It's very subtle. Kafi sari cheeze hain, jaise even like I don't want to be very, meri skin thodi oily hai. So I don't want ki bahut zyada humidity se mera face mein, you know, then you have breakouts and then there are rashes and everything. So wo us cheez ka mujhe thoda wo rehta hai. Otherwise, it's pretty much normal. We have to decide like according towards the occasion, कहाँ हम जा रहे हैं, कैसा इवेंट है, कैसे लोग हैं आसपास. तो उससे डेफिनेटली हमें उसको ध्यान में रखकर तैयार होना होता है. लेकिन अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जाना हो, सो आई कम्प्लीटली कीप माई जीन्स ऑफ बिकॉज मुझे ये पता है कि अगर बाहर बारिश हो रही है, बिकॉज मुझे भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई जस्ट डोंट लाइक कि मैं गीली हो जाऊँ और फिर कहीं पहुँचूँ. एंड मोर ओवर मेरे को लगता है बहुत कीचड़ है. एंड आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट. हाँ, बारिश हो लेकिन मैं तब घर पर हूँ,
कहीं मुझे बाहर ना जाना हो. सो डेफिनेटली नो जीन्स फॉर मी व्हेन इट्स अ रेन सीजन. समथिंग लाइट जो कि जल्दी ड्राई हो जाए, अगर मैं भीग भी जाऊँ तो ड्राई हो जाए, अदरवाइज शॉर्ट्स हो, स्कर्ट्स हो, विच इज़ कम्फर्टेबल एट द सेम टाइम. आई डोंट वॉन्ट कि वो गीला हो के देन यू नो इट्स ब्लोइंग अप और इट्स नीचे से पूरा गीला हो गया. सो आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट. सो एनी थिंग विच इज़ कम्फर्टेबल. कॉटन इज़ रियली नाइस बिकॉज मुझे लगता है उसमें आपका स्किन बहुत ब्रीथ कर सकता है. सो आई थिंक एनी थिंग विथ शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, यू कैन वेयर डांगरीज, द शॉर्टर वंस एंड जम्प सूट्स. सो आई थिंक दैट थिंग फॉर अ नॉर्मल डे टू डे इट्स वेरी कम्फर्टेबल एंड इट्स रियली नाइस. हमारा स्किन जो टेक्स्चर है वो सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है. ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऑयली स्किन है तो हमेशा ऑयली ही रहेगा. विंटर में वो थोड़ा ड्राई होने लगता है और यू नो सो चेंज होता रहता है हमारा स्किन. बट जब हम अपना फेस वॉश करते हैं तो तभी वो एक नॉर्मल टेक्सचर में होता है. आप कोई भी अपना फेस वॉश यूज़ कर रहे हो तो वो पूरा एक टोन हो जाता है. तो ऑब्वियसली हम जब मेकअप करते हैं तो ड्राई स्किन के ऊपर या नॉर्मल स्किन के ऊपर एकदम ट्राई करोगे ग्लाइड करने का, वो नहीं होगा, वो थोड़ा पैची होता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपना स्किन प्रिपेयर करना है मेकअप से पहले, तो मॉइस्चराइजर यूज़ करना ज़रूरी है. ना मैं पहले भी बोल रही थी कि हमारा स्किन जो है एक स्पॉन्ज जैसा होता है, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ले पाएगा, जितना एक्सेस दोगे वो बाहर थ्रू आउट करेगा. तो जब आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो या आप अपना फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी क्वांटिटी आप कितना यूज़ कर रहे हो. थोड़ा सा पर्ल ड्रॉप साइज़, मतलब थोड़ा सा एकदम क्वांटिटी आप लीजिए, इसको मल्टीफाई करिए, उसको पूरे फेस पर लगाइए. अब वो करोगे तो फिर क्या होगा, वो स्किन जो है खाली जो सॉफ्टनेस आती है वो आ जाता है, फिर उसके ऊपर मेकअप करोगे वो इजीली ग्लाइड होता है. इरिस्पेक्टिव नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा सीज़न है. दो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अपने स्किन पे लगानी ही चाहिए मेकअप से पहले, मॉइस्चराइज़र हुआ और सनस्क्रीन हुआ. सनस्क्रीन सिर्फ समर्स में नहीं लगाना है, कोई भी सीज़न है उधर लगाना है, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज से वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, सिर्फ सन से नहीं. और अल्ट्रावायलेट रेज देखा जाए तो कहीं भी है, सब जगह. ये रूम में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो लाइट आ रही है सब जगह, एसी है, सब जगह से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं. तो इसीलिए ये दो चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इरिस्पेक्टिव आपका स्किन ऑयली है या ड्राई है, वो लगाना ही है. पर क्वांटिटी यस, आप बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो बहुत स्टिकी हो जाएगा, सो फिर वो स्किन पे बराबर नहीं लगता है और मेकअप पर अगेन वापस से क्रैक होने लगता है. तो इसीलिए थोड़ा लगाइए, इरिस्पेक्टिव आपका कौन सा स्किन टाइप है, बट ये दो चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी है. बट हमें बहुत खुशी हो रही है कि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. महाराष्ट्र में बहुत जगह समस्याएं हैं, तो हम लोग वेट कर रहे थे, पूरे नहीं भीगेंगे लेकिन थोड़ा भीगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ जाए, रोज आएगी, बारिश बहुत जरूरी है और अभी आ रही है, तो वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग मॉनसून एंड वी ऑल आर हैप्पी अबाउट एब्सोल्युटली.